1,000 सब्सक्राइबर होने पर कितना पैसा मिलता है और 1,000 व्यू आने पर कितना पैसा मिलता है, तो यही आपको आज हम बताएंगे। तो दोस्तों, सब्सक्राइबर के जो है यूट्यूब पैसे नहीं देता। 1,000 सब्सक्राइबर सिर्फ यूट्यूब का क्राइटेरिया जो आपको कंप्लीट करना होता है, और 1,000 सब्सक्राइबर के साथ आपको 4,000 घंटों का पब्लिक वॉच टाइम भी कम्प्लीट करना होता है 365 दिन में, तब आप यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो और तब अपने वीडियोस पर जो है एड्स को ऑन कर सकते हो, तब आप अर्निंग कर सकते हो यूट्यूब। तो सब्सक्राइबर का यूट्यूब कोई भी पैसा नहीं देता, चाहे आपके 1,000 हो या 10,000 हो या मिलियन में हो, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको यूट्यूब एक भी पैसा नहीं देगा। अगर आपका 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं 365 दिन में, तो आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद वीडियो पर एड चालू करके आप अर्निंग कर सकते हो। और 1,000 व्यू पे कितना पैसा मिलता है, तो दोस्तों जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तभी आपकी अर्निंग हुई, तो आपको 1,000 व्यूज पे, अगर आपका ब्लॉग का चैनल है तो सिर्फ 10 से 15 रुपए ही आपको 1,000 व्यूज पे मिलेंगे। अगर आप टैग की वीडियो बनाते हो टैग कैटेगरी की, तो आपको 30-40 रुपए भी 1,000 व्यू पे मिल जाते हैं। और अगर आप फाइनेंस या ऑनलाइन अर्निंग एप्स के बारे में बताते हो, आपको 50 से 60 रुपए भी आपको 1,000 व्यूज। तो ब्लॉग चैनल वालों की अर्निंग बहुत कम होती है, टैग के और गेमिंग चैनल वालों की अर्निंग ज्यादा होती है। और YouTube से अर्निंग करने के लिए आपको YouTube का क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा, जो कि 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 पब्लिक आवर्स का वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना होगा, वो भी 365 दिन में 4,000 का वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना होगा, तब जाके आप YouTube के पार्टनर प्रोग्राम में जुड़कर YouTube से अर्निंग कर सकते हो।